चलिए रुक करते हैं 12 की ओर। आपको बता दें कि ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक जिनके द्वारा 30 दिन तक कार्य न करके 30 दिन तक सैलरी ली जाती है, लेकिन 3 दिन तक भी कार्य नहीं किया जाता है। पूरी खबर हम आपको अवगत करवाते हैं, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। स्वागत है, आज हम खड़े हैं ग्राम सेवा सहकारी समिति सुंदरक के अंदर, जहाँ पे अपने ग्रामीणों द्वारा जो सोसाइटी के खुलने और बंद होने को लेकर अभी परेशान है, और पूरा संचालन मंडल। आइए हम पूछते हैं अपने संचालन मंडल और कुछ ग्रामीणों से इस सोसाइटी के बारे में। तो सर, ये सोसाइटी अपने खुलती है समय पे? काम पर भी खुले मौका जो आवाजी खुल रहे हैं, काम खोल रहे। अच्छा, कितने टाइम हो गया इनको सोसाइटी को खुले हुए? वो तो गर्मी के टाइम पे खुली थी। अच्छा, वसूली करवाया हो चाहे पीछे देव जी भी खुले थे। सोसाइटी के हालात कैसे और कैसे कार्य चल रहा है? नहीं, सोसाइटी के हालात आप देखो, जर्जर हो रही है, लोग लगा हुआ है, पूरे में कूड़ा कचरा उगा हुआ है, सोसाइटी सारा लोग जैसे हो रही है, इतनी कंडीशन आप सब ग्रामीण खड़े हुए हैं, नज़ारा देख लो, साफ दिखाई मारा है, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, कैसी कंडीशन है। तो सर, ये कितने समय से बंद पड़ी है सोसाइटी? ये सब क्या नाम से लमसम गर्मी के बाद, जब वसूली होने के बाद पैसा बिटने यहाँ, मतलब 8-15 दिन में एक दिन आके और वापस अपनी कागजी कार्रवाई पूरी करके चले जाते। आपने उनको बताया नहीं कि ये सोसाइटी समय पे खुलनी चाहिए? नहीं नहीं, ये चीजें हमने बहुत उन लोगों को कोऑपरेट किया, गांव में काफी लोग तो जानते नहीं है, अनसमझ में रहते हैं, जो जागरूक आदमी उसे तो वो व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं पहनने की वजह से, क्योंकि संचालन मंडल के जब जिस दिन गाँव वाले इस चीज को जानने लग जाएंगे कि क्या नाम से कि सोसाइटी क्या चीज है, ये संस्था कैसी है, तब तो ठीक है, पर बेचारे ये लोग समझ में अशिक्षित है ज्यादा, ये लोग कहते हैं इनकी सुनता नहीं है कोई। यहाँ की जो एक्टिव है जैसे व्यवस्थापक है, ये लोग अपने मिलकर धांधली चला लेते हैं, इनको पूरा जब भी संचालन मंडल में मीटिंग होती है, मीटिंग में कभी लेखा जोखा नहीं दिया गया, ना ही कोई कितना खर्च हुआ, किस चीज में कितना व्यय हुआ, कितना नहीं हुआ, कोई लेखा जोखा नहीं, कोई ऑडिट नहीं करवाते। आपको इस चीज का पता है कि आप जो वेतन उठा रहे हैं वो आप ही की जेब से जा रहा है? हाँ, ये तो हम लोगों को तो पता है। आपने इस चीज का मुद्दा क्यों नहीं उठाया? मुद्दा तो इसलिए नहीं उठाया ना, क्योंकि आप यहाँ के जो काश्तकार लोग हैं, गरीब परवर्ती के आदमी हैं, ये लोग अपनी खेती बाड़ी में जब व्यस्त रहते हैं, इनका इतना है नहीं, और वर्तमान में जो इसमें ये बना रखी एक तो प्रथा कि जो लोग इसमें से जुड़ते हैं वो इसमें लेन देन हो, वही किसान इसका चुनाव लड़ने का अधिकारी रखता है, अन्यथा नहीं। तो अब बुजुर्गों के नाम प्रॉपर्टी है, तो बुजुर्ग लोग ही इसमें चुनाव लड़ते हैं, और वो लड़ते हैं तो वो इतनी जानकारी नहीं रखते हैं कि संस्था क्या चीज होती है, संस्था के अंदर अपन ये पैसा जा रहा है, व्यवस्थापक को जा रहे हैं या फोर्थ क्लास चपड़ा जी को जा रहे हैं या किसी को जा रहे हैं, तो पैसा कहाँ जा रहा है? पैसा जा रहा है अपनी संस्था का, अपना क्या नाम से ग्राम विकास द्वारा वसूली की गई उन पैसों का, इसलिए तो क्या नाम से। पर ये लोग जिस दिन जागरूक हो जाएंगे तब तो इनका काया पलट हो जाएगी।